हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला बैगन फ्राई। इस सब्जी को दही वाले बैगन के नाम से भी जाना जाता है। कम मेहनत में कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके झटपट बनने वाली सब्जी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मसाला बैगन फ्राई बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बैगन लिए हैं। हमें छुरी की मदद से इन बैगन पर इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। सारे बैगन पर हम छुरी की मदद से अच्छे से कट्स लगा लेंगे। अब हमें बैगन के अंदर की साइड थोड़ा सा नमक लगा लेना है। देखिए, नमक हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस एक चुटकी जितना नमक हम इसमें लगाएंगे ताकि बैगन जो है वो थोड़े नमकीन हो जाए। इस सब्जी में ऐड करने के लिए हमने 6 टेबल स्पून दही ली है। ये दही बिल्कुल फ्रेश है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सूखे मसालों को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस स्टेज पर हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। हमने पैन में 3 टेबल स्पून जितना तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम एक एक करके सारे बैगन ऐड कर देंगे और इन बैगन को हमें लो फ्लेम पर तेल में तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। इनकी साइड्स को चेंज करते हुए हमें हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैगन थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। इनको तेल में से निकाल लेंगे। हमने सारे बैगन इसमें से निकाल लिए। तेल ऑलरेडी गर्म है, इसलिए हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों की मदद से क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। और ऐड कर देंगे 2 पीसे हुए टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर को हमने तेल में अच्छे से भून लिया। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे। साथ ही में ऐड कर देंगे दही, जिसमें हमने सारे मसाले मिक्स करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। दही ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए बैगन। मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। देखिए, अभी इसमें बैगन ऐड किए हुए 5 ही मिनट हुई है। इसे चेक कर लेंगे और बैगन की साइड्स को हम चेंज कर देंगे। देखिए, हमने बैगन में कट्स लगाए हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ग्रेवी का जो मसाला है वो बैगन के अंदर अच्छे से पहुंच जाएगा। इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। क्योंकि हमने इसमें बैगन को फ्राई करके ऐड किया है, तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बैगन ऐड करने के बाद हमने इसे सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया। साथ ही में हमारी सब्जी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए, अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो इस स्टेज पर आप इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर सकते हैं। और ग्रेवी का पानी ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लें। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।